वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया फरमाते रहीम, करीम सवाल मजहब के लिहाज से तुम्हारा नाम क्या है तो गोया कि ये गोया कि बच्चों को भी बड़ों को भी आज बड़े भी बहुत से जो है इन चीजों से बेहर नहीं है तो तुम कौन हो यानी मजहब के अतबार से जवाब मुसलमान क्या कि हम मुसलमान हैं सवाल मुसलमानों के मजहब यानी दीन का नाम क्या है या तुम्हारे मजहब का नाम क्या है जवाब इस्लाम है कि यह एक यही यहीनवान है इंसान कहता इस्लाम सवाल इस्लाम क्या सिखाता है या इस्लाम किस मजहब को कहते हैं यह आपने सवाल किया इस्लाम क्या सिखाता है अब जवाब इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है बंदगी के लायक वही है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं और क़ुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है इस्लाम सच्चा दीन है और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है अब देखिए इतने से सेनवान में इतने पैराग्राफ में हजरत ने इस्लाम की पूरी तशरी बयान कर दी है अब आज ये दुनिया में कोई भी आपसे पूछे भाई इस्लाम क्या सिखाता है इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं अब आप सोच में पड़ जाएंगे यार अच्छा क्या है हजरत बता दिया बस ये बोल दो ये इस्लाम की टीचिंग्स बेसिक देमान उसके बाद मजीद आगे सवाल चलेगा लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी ताकि आपको पता हो कि इस्लाम क्या सिखाता है जवाब आप दे सकते हैं खुदा अल्लाह की बंदगी सिखाता है अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कुरान अल्लाह की किताब है और इस्लाम सच्चा दीन है की और दुनिया की भलाइयाँ सिखाता है इस्लाम का कलमा क्या है जवाब इस्लाम का कलमा ये रसूलुल्लाह यह इस्लाम का कलमा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये इस्लाम का कलमा है कि कलमा ईमान को आप बयान करके अपने इस्लाम को ज़ाहिर करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ सवाल कलमा शहादत क्या है जवाब कलमा शहादत यह है अशदुल्लु व अन्न मुहम्मदन अब्दू व रसूलुह ये कलमा शहादत कि मैं गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं तो गोवा है के पहले हिस्से में अकायद के हवाले से बुनियादी चीज़ें जो है वो मुफ्ती साहब जो वाज कर रहे हैं सवाल ईमान मुजमल क्या है मुजमल कहते जमाली ब्रीफ ब्रीफ ईमान क्या है शॉर्ट में बताइए ब्रीफ ईमान मुजमल ये आमन तो बिल्ला कमा हुआ बसमाई ही व सिफाती ही व कबील तो जमिया अहकाम ही ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वह अपने नामों और सिफतों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए ये ईमान मुजमल है ब्रीफली आपने जो है वो जो ईमान कबूल कर लिया क्योंकि अल्लाह की तमाम सिफात जैसे उसके अहकाम उसमें मैं ईमान ले आया इसको कहते दे ईमान मजमल और मैंने जैसे कि अर्ज किया था पहले भी कि इस इम, इस कलब ईमान को भी दोहराते रहना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व बताले कि किसी भी सिफत और हुक्म के बारे में इंसान के दिल में कोई और शुबा हो तो इस ईमान के इजहार से वो उसका जो है गुना व बाल ख़त्म होता रहे क्योंकि आज सुबह शाम इंसान बहुत से सवाल और कन्फ्यूज इंसान के दिमाग में आते हैं तो इसलिए ये एक जो तमाम सिफ़ात और आसमां और आकाम पर ईमान लाने का इज़हार जो इंसान सच्चे दिल से करता रहना चाहिए ईमान मुफसल क्या है जवाब ये तफसीली तफसीलीमान एक एक अलग अलग जज्व बयान कर दिया आमन तो बिल्ला ही व मलाईकती ही वतुबी ही व रसुली ही व योमिल आखिरी वलकदरी खैरी ही व शर्री ही मिनल्ला तलबासी बदलम मऊत यह ईमान मुफसल है कि तफसील के साथ तमाम जुजियात को बयान कर दिया अब हर एक जुजिए की अलग तफसीलात हैं लेकिन ये जो है पूरी तफसील से ईमान आ गया कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर क़्यामत के दिन पर और इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर देखो अभी आपने पढ़ा कि अकीदा माद की कितनी को मर... तो फरमाया कि इलाही मर्जी हुकुम जमिया उस अल्लाह ही की तरफ से लौटना है और क्यों लियजी अल्लाह जी हो अल्ला ताकि अल्लाह वहां बदला दे सके वो तो गए कि ये मरने के बाद दोबारा जिंदा होना उसकी इल्लत यही है ताकि वहाँ जब वो अच्छे का बदला अच्छा मिले और बुरे का जब वो बदला बुरा, बुरा बुरा दिया जाए सवाल तुम्हें किसने पैदा किया जब हमें और हमारे माँ बाप और आसमान और ज़मीन और तमाम मखलूक को खुदा तला ने पैदा किया तुम्हें किसने पैदा किया हमें हमारे माँ बाप आसमान तो तो और जमीनों तमाम मखलूक तो गए कि इज्तमाही तौर पर सब का जिक्र करके बता दिया कि सब को अल्लाह ने पैदा किया ये कुरने करीम अल्लाह ने भी इसी वनवान से जवाब दिया है हालांकि कह सकते कि तुम्हें किसने पैदा किया अल्लाह ने पैदा किया देखो क्या नहीं माँ बाप को भी पैदा किया उससे पहले भी पैदा किया आसमान को भी पैदा किया जमीन पैदा किया ताकि किसी किस्म का वसूसा ना रहे कि यार हमें तो पैदा किया हो सकता हमारे बाप दादा को पैदा ना किया हो उदा हमारे नगर दादा को पैदा ना किया और नहीं तो मैं सब को पैदा किया इसी अल्लाह तबारक वाली ने भी इसी नुमान से सब की जो है वो तख्लीक का जो है दावा फरमाया सवाल अल्लाह दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया जवाब अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया क्योंकि अल्लाह तबारक वाली रॉ मटीरियल का तो मोहताज नहीं है दुनिया में कोई कोई शख्स कोई चीज बनाता है तो यह रॉ मटीरियल चाहिए दुनिया में कोई चीज ऐजाद करता है तो वो मौजूद को चाहिए चीजें तो रॉ मटेरियल के बाद चीज बनती है तो अल्लाह को रॉ मटेरियल तो अल्लाह किस चीज़ से दुनिया को पैदा किया अब आप कह अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया उस नहीं भी अल्लाह किसी रॉ मटेरियल को मोहताज नहीं अल्लाह को अपनी कुदरत और ताकत से पैदा करता है फरमाया कि अपनी कुदरत तो हुक्म से कन फायकुन को हुक्म दिया और अभी में आपने सुना कि छह दिन के अंदर जय आसमान जमीन की तकलीक हो गई सवाल जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं जवाब उन्हें काफिर कहते हैं ज़ाहिर है कि हर एक के ऊनवान है लिहाजा काफिर को काफिर ही कहना है हमने मोमिन को मोमिन कहना है कि ये डिफ्रिशिएट अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो ख़तरनाक है लिहाजा जो नहीं मानते वो काफिर कहलाते हैं सवाल जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या दो तीन खुदा मानते उन्हें क्या कहते हैं जवाब ऐसे लोगों को काफिर और मशरक कहते हैं ये मशरक हैं कि को भी मानते अल्लाह के साथ भी किसी को शरीक करते हैं और मुशरक कहते ही उसी को हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शर्क करें जो अल्लाह को इस से ना मानते हो वो तो वो तो देहरी एथियस्ट है, हैं तो, तो अल्लाह के वजूद के कायल नहीं है तो गया कि ये ये अल्लाह को मान रहे हैं लेकिन साथ अल्लाह के शरीक ठहरा था, रहे हैं उसकी ज़ात में सिफात में तो वो शरीक साथ, इसलिए उनको मुशर कहा जाता है मुशर बख्शे जाएंगे या नहीं जब आप मुशरों की बख्शि नहीं होगी वो हमेशा तकलीफ और आज़ाब में रहेंगे क्योंकि अल्लाह तबारक व ताल ने कुरान करीम में इस हकीकत को वाज़ कर दिया कि अल्लाह तबारक वताल शिरक के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर देगा इन ला यक युशरा का भी वक़ यक रुम दून हजाल करीम शाह अल्लाह तबारक वताल शरक के गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे और शरक के अलावा जितने भी जो गुनाह हैं कबीर जितने भी हों वह अल्लाह चाहे जिसके चाहे माफ़ कर देंगे इसे शिरक जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है इसे शिरक की जय का शायबा भी इंसान के पास नहीं फटकना चाहिए इसलिए फरमाया कि मशरकों की बख्शी नहीं होगी वो हमेशा तकलीफ अदाब में रहेंगे हाँ दुनिया में अगर तौबा कर ली तौबा करके दुनिया से चले गए फिर ज़ाहिर है कि तौबा तो अल्लाह के कबूल होती है लेकिन इसे मुराद ये कि वह मशरक जिसे शिरक किया और बग़ैर तोबा की दुनिया से चला गया अब उसकी बख्शी की सूरत नहीं है सवाल हज़रत महम्मद सल्ला वसलम कौन थे जवाब हजरत मोहम्मद सल्ला व् खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल और पैगंबर थे हम उनकी उम्मत में हैं हम उनकी उम्मत हैं जहर वो हम अल्लाह के बरगजा हैं अल्लाह के बंदे भी हैं रसूल भी और हम उनकी उम्मत हैं और जहर कि उम्मत जो है दो तरह की है एक उम्मत दावत है एक उम्मत इजाबत है उम्म दावत का मतलब वो उम्मत कि जिसको नबी पाक सल्लम ने दावत दी लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की इस एतबार से मुश्किन मक्का जो थे अबू जाल उत्पा शहबा वगैरह ये भी उम्मत है लेकिन उम्मत दावत है आज भी जो कुफार नबी पाक को नहीं मानते वो भी उम्मत है लेकिन उम्मत दावत लेकिन हम उम्मत इजाबत है जिन्होंने आपकी दावत को मान लिया कबूल कर लिया तो ये उम्मत इजावत है तो गोया कि अगर आगे तफसील में जाए तो स, ये एक उम्मत दावत है दूसरी उम्म इजावत है तो नबी करीम वसल्लम जो है वो अल्लाह के पैगंबर हैं और हम उनकी उम्मत हैं यानी उम्मत इजावत है हमने उनको मान लिया सवाल हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए जवाब अरब के मुल्क में मक्का मुआजमा एक शहर है उसमें पैदा हुए ज़ाहिर है कि छोटे बच्चों के लिए तो एक अहम सवाल है उनको खबर होनी चाहिए कि कहाँ पैदा हुए ये मक्का में पैदा हुए आपके वालिद और दादा का नाम क्या था जवाब आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था सवाल हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों से मर्तबे में बड़े हैं या छोटे हैं जाए ये सवाल एक बच्चा तो कर सकता है कि बड़ा कौन है क्योंकि आज दुनिया के अंदर ये फ़र्क मरातब का सिलसिला चलता है दर्जाबंदी चलती ये बड़ा ये छोटा इसका यह मनसब है पूछ सकता है कोई तो पूछ लिया तो जवाब फरमाया कि हमारे पैगम्बर सल्ला वल् मरतबे में सब पैगम्बरों से बड़े हैं लफज मरतबे में उम्र में नहीं कहा उम्र में तो आप सबके बाद आ रहे हैं तो उम्र में भले छोटे हों लेकिन ये कि आप जब मरतबे में सबसे बड़े हैं और खुदा तला की सारी मखलूक से ज़्यादा बुजुर्ग हैं खुदा तला की सारी मखलूक से ज़्यादा बुजुर्ग हैं और जाहिर है कि न सिर्फ अम्बिया बल्कि सारी मखलूक जितनी भी हैं सारी मखलूक में जब बात खुदा बुजुर्ग तो क़स्सा मुख्तर यानी पहले खुदा उसके बाद मुस्तफ़ा बस ये शान है उसके बाद बाकी सारी दर्जेबंदी है लेकिन अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो सरकार दुआसम का मुकाम है सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र कहाँ रहे जवाब त्रेपन साल की उम्र तक अपने शहर मक्का मजमा में रहे उसके बाद खुदा तला के हुक्म से मदीना मुरा चले गए हिजरत फरमाई और दस साल वहां रहे फिर तिरसठ साल की उम्र में वफात माई तो गोया कि आपकी जो उम्र है सिक्सटी थ्री साल ये वो सुन्नत उम्र है कि सिक्सटी थ्री साल की उम्र में आप अल्लाह से जामिल है सवाल अगर कोई हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम को ना माने वो कैसा है जवाब जो शख हज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम को खुदा ताला का रसूल्ला माने वो भी काफिर है ज़ाहिर मैंने बताया तोहीद रिसालत मब को मानना ई है तो गोया कि वो रिसालत को नहीं माना तो वह भी काफिर सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का क्या मतलब है जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब यह है कि आपको खुदा तला का भेजा हुआ पैगम्बर यकीन करे और ख़ुदा ताली के बाद सारी मखलूक से आपको अफजल समझे और आपसे मोहब्बत रखे और आपके हुक्मों की ताबेदारी करे अब देखिए यह कितने अहम सवाल का कितना जामे और माने जवाब दे दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का क्या मतलब है अब कोई भी पूछ सकता आपसे आप किसी काफर को गैर मुस्लिम को या अमरीका की दुनिया में कहें कि आप नबी को माने कि क्या मतलब इस मानने का क्या मतलब आपको बताना पड़ेगा कि उसको अल्लाह का अल्लाह का नबी यकीन करे हैं और सारी मखलूक में सबसे अफजल माने यकीन करे और आपसे मोहब्बत करे और आपके हुक्मों की ताबेदारी करे तो क्या कि चार उनवान आपको पैगम्बर माने अल्लाह के भेजा हुआ नबी माने उसके बाद जो फरमाया कि सारी मखलूक में अफजल माने और जो है उसके बाद फरमाया कि आपसे मोहब्बत रखे और चौथा फरमाया आप कि आपके हुक्मों की ताबेदारी करे अब देखो ये चार उनवान एक एक पैराग्राफ में आपने बंद कर दिए ये कि कितने अहम हैं हमारे लिए कि हमें ये याद होने चाहिए इससे बज़ाहिर ये छोटा सा किताब चाहे लेकिन ये ये बहुत ख़जाना है कि जो जाहिर है मुफ्ती आजम हिंद उसने जब उन्होंने जब लिखा होगा तो कुछ सोच के लिखा होगा तो इतना बड़ा समंदर उसमें से उन्होंने किस तरीके से वो जो कीमती मोती इकट्ठे की है इसके अंदर इस, इसकी अहमियत तो आज तक खत्म नहीं हुई तालीम इस्लाम की आज तक जो है मदार करते हैं दर से नकायदा पढ़ाया जाता है क्योंकि देखो कितने तो अच्छे वनवान से कितने तो अहम सवाल का जवाब आ गया सवाल यह कैसे मालूम हुआ कि हजर मोहम्मद सल्लाम खुदा ताल के पैगम्बर है जवाब उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए और ऐसी ऐसी बातें दिखाई और बताई जो पैगम्बरों के सिवा और कोई नहीं दिखा और बता सकता अब देखो ये कितनी अहम जब बात है कोई भी आज सवाल कर सकता है कि अल्लाह तबारक ताल के पैगम्बर हैं वो ये कैसे कैसे पता चला या आप कैसे पता चला जवाब उन्होंने बड़े अच्छे काम किए और ऐसी ऐसी बातें दिखाई और बताई दिखाई का मतलब मोजा दिखाया आपने जो मोजा पैगम्बर के अलावा किसी से आत्मकदार नहीं होता और ऐसी बातें बताएँ जो पैगम्बर के अलावा को बता नहीं सकता तो इसका मतलब यह है कि वह अल्लाह के पैगम्बर हैं लिहाजा हम उस पर ईमान लाते हैं और यही अब मोज़े का मकसद ही होता है कि मोज़े दिखाए जाते हैं ताकि समझा जाए कि ये जो इंसान के बस की बात नहीं ये खाल के इंसान ही ने इनके हाथ पर जो है इस नुसरत को ज़ाहिर किया है लिहाजा ये वाकई अल्लाह के बरगुजीदा है उस पर ईमान लाया जाता है इसलिए जो है ये कितना अहम अच्छा, सवाल का जवाब चंद सत्रों में दे दिया कि उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए और ऐसी ऐसी बातें दिखाई और बताईं जो पैगम्बरों के सिवा और कोई नहीं दिखा और बता सकता सवाल यह कैसे मालूम हुआ कि कुरान शरीफ़ खुदा तला की किताब है जवाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुरान मजीद खुदा ताली की किताब है और खुदा ताली ने मेरे ऊपर नाजिल की है यानि उतारी है यानि मोहम्मद सल वम ने यह बताया है कि अल्लाह ने ये किताब नाजिल किया मुझ पर लिहाजा आपने इस पैगाम को आगे पहुँचाया इसका मतलब ही हो गया कि ज़ाहिर है कि ये अल्लाह की किताब है और फिर ऐसे मजामी अल्लाह तबारक व ताल के उसन करीम में सामने आए कि जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है इसलिए हमें इस पर यकीन आ गया कि यह जो है अल्लाह तबारक व तालय की भेजी हुई किताब है सवाल कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्ला वसल्लम पर पूरा एक मरतबा उतरा या थोड़ा थोड़ा उतरा ये बहुत अहम सवाल है यह सवाल पैदा होता है कि थोड़ा उतरा या वो इकट्ठा एकदम उतार दिया जवाब थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ कभी एक आयत कभी दो चार आयतें कभी एक सूरत जैसी जरूरत होती गई उतरता गया तो गया कि जरूरत के एतबार से नजमन नजमन वक्ता वक्तन ये उतरता चला गया वो जैसी जरूरत पेश आई वो को आयत नाजुल होगी कोई वाकया हुआ आयत नाजुल होगी कोई नया हुक्म देना आयत नाजुल हो गई तो ये ज़रूरत के अतबार से थोड़ा थोड़ा उतरा और ये अंदाज़ जो है ये औकाफ नफ्स होता है पहले नबियों को जो किताबें मिली हैं वो इकट्ठी मिल गई तो रात इकट्ठी इकट्ठी मिल गई लेकिन ये जो है ज़रूरत के वक्त जो पैगाम आते गए ये अवकाफ़ी नफ्स होते हैं ये दिल के अंदर बैठ जाते हैं उस पर अमल करना भी आसान होता है उसको समझना भी आसान होता है अगर पूरी किताब उतार देते तो उसको समझना सम, समझाना को आसान बात ना होता इसलिए ये अल्लाह तबारक ताल की राहमत हुई क्योंकि आखिरी किताब है इसके बाद क्योंकि किताब आने वाली थी नहीं इसलिए उसको इस अंदाज से उतारा गया सवाल कितने दिनों में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ जवाब तेईस साल में 23 साल अब देखो जैसे सो यूरस में आपने पढ़ा था छह दिनों में अल्लाह ने जमीन व आसमान मुकम्मल किए तो मालू हुआ के अहम काम को जो है वो एक मुद्दत तक बहुत अच्छे अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता करते रहने चाहिए एकदम झटपट की ज़रूरत नहीं है तो देखो कुरान करीम ये एक अहम किताब मैंने बताया और आखिरी किताब है इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं तो अल्लाह ने ट्वेंटी थ्री ईयर तेईस साल के अंदर इसको कुरान को मुकम्मल किया उतारा लोहे महफूज से उतरता रहा उतरता रहा तो इसका मतलब ये अहम किताब थी इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं तो इसकी अहमियत का पता चलता है तो मुद्दत की तवालत जो होती है उस चीज़ की अहमियत का इशारा होता है कि बहुत अहम चीज़ आपको दी जा रही है सवाल कुरान मजीद किस तरह नाजिल होता था जवाब हज़रत जब्रैल सलातम आकर आपको आयत या सूरज सुना देते थे आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे यह वही के नज़ुल का तरीका बताया जा रहा है कि के आयत आपको तलावत करा रहे हैं या सूरत तलावत कर रहे हैं आपको याद हो जाती थी फिर आप कातबिन वहीं से कहते थे लिखो उस जमाने में कोई दरख्तों की छाल पर लिख दिया चमड़े पर लिख दिया किसी हड्डी पर लिख दिया लेकिन उसको जब महफूज कर दिया जाता था और वो साहब यूज भी कर लेते थे तो कातबी ने वही से लिखवा लेते थे सवाल आप खुद क्यों नहीं लिख लेते थे आप खुद क्यों नहीं लिख लेते थे जवाब इसलिए कि आप उम्मी थे उम्मी का मतलब जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उम्मी उम्मी उम उम्म से उम कहते हैं माँ को यानी माँ के पेट से जैसे पैदा हुआ कुछ खबर नहीं कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता जैसे फिर उस्ताद के पास पैठ सीखना पड़ता है तो मैं कि बिल्कुल इनकी शान भी है कि वह जब आप आए माँ के पेट से जैसे पैदा हुए लिखना पढ़ना नहीं जानते लेकिन अल्लाह तबारक व ताल बर रास्त आपको वो लूम दिए हैं कि जिसकी कोई नजीर नहीं है सवाल उम्मी किसे कहते हैं जवाब जिससे किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो उसे उम्मी कहते हैं अगरचि हजूर सल्ला वसलम ने दुनिया में किसी से इलम नहीं सीखा लेकिन खुदा तला ने आपको तमाम मखलूक से ज़्यादा इलम दिया था तो उम्मी होने का ये मतलब नहीं है आज हमारे बहुत से मुसलमान जो है जो लिबरल किस्म के मुसलमान वो ये हेजिटेशन महसूस करते हैं ये कहते हुए कि हमारे नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वो कहते नहीं हमारे नबी पढ़े लिखे थे ठीक है वो उम्मीद कहते हालांकि उम्मी आपका वसफ़ है जो किसी और पैगमर को हासिल नहीं हुआ हासिल ही नहीं हुआ बल्कि इस सल्ला नबीमी का द्रूद खुद अदीस में आता है नबी उम्मी पर सलात सलाम हो यानी उम्मी होना आपका कमाल है आपका नक्श नहीं है मेरे आप के लिए नक्श है नबी के लिए नक्श नहीं है क्योंकि जो नबी अपनी ज़बान से वो ूम बयान कर रहा है वो कुरान बयान कर रहा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं है इसके लिए उम्मीद होना कमाल है कि इसका मतलब क्या है कि यह कलाम खालिद कलाम इलाही है जो अल्लाह की तरफ से पेश किया जा रहा है ख़ुद नहीं बना के लाया खुद बना के लाने के काबिल है का वो तो उम्मी है दुनिया में पड़ा ही नहीं उसने किसी से मालूमा कि अल्लाह की तरफ से बरा ला रहा है ये इससे ये तो आपके लिए उम्मीद होना कमाल है हमारे लिए उम्मी होना कमाल हो या ना हो लेकिन नबी के लिए कमाल है तभी तो मुशीर के मक्का हैरान थे कि यार ऐसे ऐसे कलाम फसी व पेश कर रहे हैं कि हमें खबर ही नहीं है इसलिए ये जो है उम्मीद होना आपके लिए कमाल है तो जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो उसे उम्मी कहते हैं अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा लेकिन खुदा ताली ने आपको तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म दिया था सवाल हजरत ज़बरी सलातम कौन है जब फरिश्ते हैं खुदा तै को हुक्म पैगम्बरों के पास लाते हैं जाहिर है कि फरिश्ता है जब वही जो है अम्बिया के पास लाने की जिम्मेदारी हजरत ज़िरसलात साम की है